एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर की सब्जी, जिसे मैं बनाने वाली हूँ अपने तरीके से। पर ये टेस्ट और फ्लेवर में आपको रेस्टोरेंट में जैसे आप खाते हैं ना, वैसी लगेगी बिल्कुल। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये अगर एक बार किसी को बनाकर आप खिला देंगे तो बार बार लोग इसकी ही डिमांड करेंगे आपसे। ये होती ही इतनी टेस्टी है खाने में। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक नॉनस्टिक कढ़ाई को अच्छे से हाई फ्लेम पर हमें गर्म कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड तेल और इसे भी अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गई है तो फ्लेम को अब लो पे कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए प्याज और इसे हमें लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए हल्का गुलाबी या थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट होने तक भून लेना है अच्छे से। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा देर तक आप भुनेंगे तो इसका कलर गोल्डन ब्राउन या थोड़ा ब्राउन हो सकता है, जो हमें प्याज की वाइट ग्रेवी बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए जब भी आप प्याज को भुने। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो हल्का गुलाबी या थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट सा, जैसा हमें चाहिए वैसा हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च और इसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह 4 से 5 लहसुन और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें तब तक भुनना है जब तक इनकी कच्ची स्मेल ना चली जाए। कुछ सेकेंड्स इन्हें भुनते हुए भी हो गए हैं और अब इनकी भुनी हुई सी अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू और 1 मिनट के लिए से प्याज के साथ सौटे कर लेंगे। काजू को मैंने गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर लिया था। ऐसा करने से काजू जब हम प्याज के साथ ग्राइंड करेंगे इसका पेस्ट बनाने के लिए, तो ये आसानी से पिस जाएगी और पेस्ट को सोक्ड काजू एक क्रीमी सा टेक्सचर भी देगी। तो काजू को सोक ज़रूर कर ले। 1 मिनट हो गया है और ये सभी अच्छे से सौटे भी हो गए हैं, तो इसे एक ब्लेंडिंग जार में निकाल ले और इसे ठंडा या रूम टेम्परेचर पर आने के बाद 1/4 कप के करीब पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब सेम कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा और इसे थोड़ा चटकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची। अब फ्लेम को लो पर कर लेंगे और तुरंत इसमें जो व्हाइट मसाला पेस्ट हमने रेडी किया था वो डाल लेंगे और साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 कप पानी भी इस टाइम ऐड कर लेंगे। जिस ब्लेंडिंग जार में मैंने पेस्ट बनाया था उससे ही मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। इसे हमें लगातार 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाना है ताकि ये कढ़ाई के तले पर और साइड्स पर चिपके नहीं। हमने पेस्ट बनाने के लिए इसमें जो काजू डाला था उसकी वजह से पेस्ट तले पर चिपकता है, इसलिए इसे हमें लगातार चलाते रहना है। 1 से 2 मिनट हो गए इसे पकते हुए, तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। चीनी सब्जी के टेस्ट को और बढ़ा देती है तो चीनी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसमें डालेंगे सारे ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सब मसाले को लो फ्लेम पर हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है, या तब तक हमें इसे भुनना है जब तक मसाले में से तेल अलग ना दिखने लगे। 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं मसाले में से तेल भी अलग नज़र आने लगा है। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी और इसे अच्छे से चला लेंगे। फिर डालेंगे 200 ग्राम क्यूब्स में कटे हुए पनीर के टुकड़े और इन्हें भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे हमें 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देना है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब इसमें लास्ट में डालेंगे 1 टीस्पून ड्राई कसूरी मेथी
और साथ में डालेंगे 1/4 कप के करीब क्रीम और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ अमूल क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो दूध की जो मलाई होती है उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्रीम या मलाई इसमें ज़रूर डालें, इससे सब्जी का जो रंग है वो सफ़ेद सा आएगा, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये लीजिए, बनकर तैयार है पनीर व्हाइट करी की आसान सी डिश। इसे आप इंजॉय करें नान, कुलचे या रोटी के साथ अपने लंच या डिनर में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये खाने में आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर।